जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। आज जानेंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे व्यवसाय के मुताबिक कैसा हो आपका विजिटिंग कार्ड। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। पिछले कुछ समय पहले, कुछ एपिसोड्स पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि वास्तु के अनुसार आपको विजिटिंग कार्ड किस तरीके से डिजाइन करना चाहिए, यानी विजिटिंग कार्ड हेतु वास्तु शास्त्र के क्या मूलभूत नियम है जिसको किसी भी व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। आज हम उसी चर्चा को और आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम आपको सबसे पहले कुछ पुरानी बातें फिर से ध्यान कराएंगे, कुछ मूल बातें जो हमने पहले एपिसोड में बताई थी एक बार उस पर फिर से निगाह डालेंगे, जानकारी करेंगे, और उसके बाद हम आज जानेंगे कि आपके अपने व्यवसाय के अनुसार, आपकी अपनी नौकरी के अनुसार, अपने बिजनेस के अनुसार अगर आप अपना विजिटिंग कार्ड डिजाइन करना चाहते हैं तो उसका कलर कॉम्बिनेशन, रंग कैसा हो, किस तरीके से आप उसमें रंगों का चयन करें जिससे एक प्रभावशाली और पूर्णतः वास्तु सम्मत विजिटिंग कार्ड बन सके जिसका लाभ आप अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में ले सकते हैं। आपको पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि आपका विजिटिंग कार्ड सुंदर एवं आकर्षक होना चाहिए। इसके साथ साथ उसका चौरस होना, यानी उसका चौकोर होना या रेक्टेंगुलर होना बहुत आवश्यक होता है, और कटा फटा ना हो, मुड़ा हुआ ना हो, उसमें झुर्रियां ना हो, ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। सिलवटों से रहित आपका विजिटिंग कार्ड हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, और उसके बीच का जो स्थान जिसे ब्रह्म स्थान कहते हैं वह रिक्त होना चाहिए, खाली होना चाहिए, जिससे कि शुभ और अनुकूल सकारात्मक ऊर्जा आपके व्यापार को मिलती रहे। मैंने आपको ये भी जानकारी दी कि विजिटिंग कार्ड की अनुकूलता के लिए उसके उत्तर पूर्वी यानी ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, अपनी धार्मिक मान्यता के अनुसार धार्मिक चिन्ह या राष्ट्रीय चिन्ह या फिर अपनी कंपनी का लोगो, कोई भी सिंबल आप उस पर लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, उत्तर पूर्व के कोने में लगाना वास्तु नियमों के अंतर्गत आता है जो हमें अच्छी सफलता प्रदान करता है। जहाँ तक फोन नंबर्स का सवाल है, जिससे हमारे व्यापारिक संपर्क बनते हैं उन्हें उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण में रखना चाहिए, और अगर उत्तर पश्चिम वायव्य कोण में जगह ना मिल पाए तो हम आग्नेय कोण में उसे रख सकते हैं, यानी तब सेकंड ऑप्शन जो है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर होता है। वायव्य कोण को प्रधानता इसलिए दी जाती है क्योंकि यहाँ पर वायु का प्रभाव ज्यादा होता है, ये वरुण देवता का स्थान होता है, और ये जो भी टेलीफोन या ईमेल हम यूज करते हैं ये वायु तरंगों पर, वेवलेंथ पर आधारित होती है। तो अगर आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रखेंगे तो आपके संबंध बहुत अच्छे चलेंगे। इस तरीके से आपको अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फोन नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि डालना चाहिए। विजिटिंग कार्ड का चुनाव करते समय यह आवश्यक है कि वह हल्की क्वालिटी का ना हो। पीले, लाल और हरे रंग का विजिटिंग कार्ड वास्तु नियमों के अंतर्गत माना जाता है। जहां तक आपका नाम व पता लिखने की बात है, उसे दक्षिण पश्चिम वाले कोने में यानी नीचे से अगर आप लिखना शुरू करें तो वह वास्तु के अनुकूल माना गया है। इससे नाम, यश, कीर्ति और व्यापार में स्थिरता आती है, आपको प्रसिद्धि मिलती है, आप उससे लाभ कमा सकते हैं।
अब बात आती है किस प्रकार से आप उसके रंगों का चयन करें। तो आप अपनी राशि अनुसार या फिर व्यापार के अनुसार, आपके व्यापार, क्योंकि कुछ लोग जानते हैं कि आपके व्यापार के अनुसार अगर आप मीडिया से हैं तो निश्चित ही वो शुक्र से जुड़ा हुआ है, तो आपको शुक्र के रंगों को प्रधानता देनी चाहिए, या फिर अपनी कुंडली के जो भी मजबूत ग्रह हैं उनके आधार पर आपको अपने कलर कॉम्बिनेशन और कार्ड का, विजिटिंग कार्ड का कलर चुनना चाहिए। इसके साथ साथ कार्ड का आकर्षित होना, उस पर जो फॉन्ट्स लिखे जाते हैं सुंदर फॉन्ट्स में लिखा जाना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अतः वास्तुशास्त्र के नियमों से विजिटिंग कार्ड को अलग अलग रूप से तैयार किया जा सकता है, जिसमें कुछ बातें प्रमुख तौर पर ध्यान देनी चाहिए। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से नियम हैं जो प्रमुखता से आपको विजिटिंग कार्ड को डिज़ाइन करते समय, रंगों का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जन्म के चंद्र राशि के रंग के अनुसार आप अपनी चंद्र राशि, आपकी कुंडली से जो भी राशि बनती हो उसके रंग के अनुसार, उस राशि के रंग के अनुसार अगर आप कार्ड का और फॉन्ट्स का कलर कॉम्बिनेशन चूज करते हैं तो फायदा मिलता है। अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी के अनुसार आप अपने रंगों का चयन कर सकते हैं। जन्म कुंडली के प्रबल ग्रहों के रंगों के अनुसार आप अपने कलर कॉम्बिनेशन और कार्ड के कलर को चुन सकते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति को देखते हुए उसके अनुरूप आप कार्ड के रंगों को निर्धारित कर सकते हैं। जन्म कुंडली के कर्म स्थान और भाग्य स्थान की स्थिति के अनुरूप आप अपने रंग को, कार्ड के कलर को डिफाइन कर सकते हैं। नक्षत्र स्वामी के अनुसार भी कार्ड के रंगों का चयन किया जा सकता है। व्यक्ति या संस्था के प्रोफेशन, आपके अपने व्यवसाय के अनुरूप विजिटिंग कार्ड की रचना की जा सकती है। तो ये तो बात रही किस प्रकार से आपको कलर डिफाइन करने चाहिए। अब आपको अगर अपने व्यवसाय के अनुसार रंगों की जानकारी नहीं है तो आइए इसमें भी आपकी सहायता कर देते हैं। आपके व्यवसाय के अनुसार, आपके पेशे के अनुसार, आपके बिजनेस के अनुसार मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार के रंग आपको सूट करेंगे जो आपको अपने विजिटिंग कार्ड के लिए और कार्ड के कलर कॉम्बिनेशन के लिए आपको यूज करना चाहिए, प्रयोग में लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात, कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट जो भी कमीशन से कमाई करते हैं उनके लिए गहरा हरा, भूरा, एक से ज्यादा रंगों के मिश्रण वाला कार्ड जो होता है या ऐसे रंगों का चयन करना, प्रयोग करना वो ज्यादा सफलदायी होता है। ज्योतिष, धर्म कर्म, वास्तु या धार्मिक कार्यों से संबंधित जो भी लोग हैं उनके लिए पीला, लाल, हरा रंगों का प्रयोग करना या ऐसे रंगों का समायोजन करके कार्ड डिजाइन करना बहुत शुभ होता है। पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए भाई बंधु लोगों के लिए पीला, केसरिया, हरा और गुलाबी, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये बहुत सफलदायी होता है। कंप्यूटर का काम करने वाले यानी आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए नीला रंग, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, मशीनों का, लोहे से जुड़ा हुआ काम है, तो निश्चित ही वो शनि के क्षेत्र में आएगा। तो शनि से संबंधित जो खासतौर पर रंग है नीला, ग्रे, और उसके बाद क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसमें मंगल की भी प्रधानता आ जाती है, तो लाल और नारंगी। तो आपके लिए नीला, ग्रे, लाल और नारंगी, ये चार कलर का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही शुभ होगा, खासतौर पर कंप्यूटर से जुड़े हुए आईटी फील्ड के लोग। डॉक्टर यानी चिकित्सकीय पेशे से जुड़े हुए लोगों के लिए सफेद, हरा, गुलाबी और पीला। अधिवक्ता वर्ग यानी वकालत करने वाले लोगों के लिए, बुद्धिजीवी वर्ग के लिए सफेद, काला, पीला और नीला, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा होता है। व्यापारी वर्ग के लिए गाढ़ा, हरा और नीला, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये शुभ होता है। बैंकों से जुड़े हुए बैंक कर्मचारी, शेयर बाजार या वित्तीय सेवा देने वाले, इंश्योरेंस, बीमा इत्यादि करने वाले लोगों के लिए, जो टैक्स कंसल्टेंट होते हैं उनके लिए हरा, पीला, गुलाबी, ये कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही शुभ होगा। ब्यूटी पार्लर या सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए काम करने वाले लोगों के लिए गुलाबी, लाल और आसमानी, ये कॉम्बिनेशन सूट करते हैं उनको। बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर यानी अगर आप निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं, भवन, भूमि इत्यादि के, तो आपको भूरा, नीला, सफ़ेद, हरा, इस प्रकार के रंगों का चयन करना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं उनके लिए नीला, हरा, गुलाबी और पीला। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए जो उनका व्यापार व्यवसाय करते हैं या उनसे जुड़ा हुआ अपना रोजी रोजगार चलाते हैं, सफ़ेद, पीला, लाल, गुलाबी और नीला, इन चीज़ों का प्रयोग करना, इन रंगों का प्रयोग करना आपको शुभता देगा। बच्चों की वस्तु से जुड़ा हुआ व्यवसाय करने वाले, बच्चों का आप चाहे स्टेशनरी बेचते हो, उनसे जुड़े हुए आप छोटे बच्चों के सामान बेचते हो, खिलौने इत्यादि बेचते हो, तो आपके लिए गुलाबी, हल्का आसमानी, नीला, जामुनी और सफ़ेद, ये रंग जो है बहुत शुभता लेकर के आएंगे। ज्वेलर्स, अगर आप ज्वेलर हैं तो पीले को छोड़ करके चमकीले ना हो ऐसे गहरे रंग आपको प्रयोग में लेने चाहिए, उसके साथ साथ आसमानी, कत्थई और लाल, इन रंगों का प्रयोग करेंगे तो फायदा मिलेगा।
केमिस्ट यानी दवा की दुकान का संचालन करने वाले या दवा से संबंधित व्यापार करने वाले बंधु लोगों को पीला, हरा, हल्का आसमानी और गुलाबी ये रंग बहुत अच्छे तरीके से सूट करते हैं। रेडीमेड स्टोर्स यानी रेडीमेड गारमेंट सिलसिलाए वस्त्रों से संबंधित व्यापार करने वाले चमकीले रंग आसमानी, सफेद, हरा और गुलाबी इन रंगों का कॉम्बिनेशन आपको अपने विजिटिंग कार्ड में प्रयोग करना चाहिए। रेस्टोरेंट यानी खाने पीने से संबंधित व्यापार करने वाले लोगों के लिए केसरिया, नारंगी, हरा, पीला, गुलाबी और सफेद इन रंगों का प्रयोग आप करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। फुटवेयर से संबंधित यानी जूते चप्पलों का व्यापार करने वाले लोगों के लिए श्याम यानी काला, भूरा, लाल, सफेद इन रंगों का प्रयोग करके अपना कार्ड आपको बनाना चाहिए। इससे आपके व्यापार में दिनों दिन आपको उन्नति मिलेगी। फर्नीचर के साथ साथ इंटीरियर डेकोरेशन यानी आंतरिक साज सज्जा से जुड़ा हुआ व्यापार करने वाले लोगों के लिए सफेद, पिस्ता, जामुनी, क्रीम, आसमानी, नीला और गुलाबी इन रंगों का प्रयोग आपको करना चाहिए। फलों से संबंधित व्यापार या दुकान चलाने वाले लोगों के लिए सफेद, हरा, पीला, हल्के रंग और लाल रंग का प्रयोग करना आपको शुभ फल देगा। ऑटोमोबाइल्स या स्पेयर पार्ट्स का अगर आप व्यापार करते हैं, आप स्वयं मैकेनिक हैं और अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने लिए आप विजिटिंग कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपको आसमानी, कॉफी, जामुनी, गहरा, नीला इन रंगों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोगों के लिए या अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए लोगों के लिए पीला, सफेद, आइवरी कलर जो होता है उसे हाथी दांत का रंग कहते हैं, हरा इन रंगों का प्रयोग करना बहुत शुभ फलदायी होता है। कांच की वस्तु से जुड़ा हुआ व्यापार करने वाले लोगों के लिए पारदर्शक पेपर का प्रयोग करना या सफेद पेपर पे सिल्वर कलर से सिल्वर फॉन्ट से लिखा जाना, आसमानी रंगों का प्रयोग करके लिखा जाना आपको बहुत अच्छी शुभता देगा। स्टेशनरी से जुड़ा हुआ यानी अध्ययन सामग्री, लेखन सामग्री इत्यादि से जुड़ा हुआ व्यापार करने वाले लोगों के लिए हरा, आसमानी, पीला, केसरिया और नारंगी इन रंगों का प्रयोग शुभ होता है। प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले या उससे संबंधित व्यापार करने वाले लोगों के लिए हल्का हरा, हल्का आसमानी, गुलाबी और सफेद जो है वो बहुत शुभ होता है। और किसी भी प्रकार के कला से जुड़े हुए कला का प्रदर्शन करने वाले कलाकारों के लिए हरा, गुलाबी, लाल और सफेद इन रंगों का प्रयोग करके यदि आप अपना परिचय पत्र, विजिटिंग कार्ड इत्यादि बनाते हैं तो निश्चित ही आपके सौभाग्य में, आपके भाग्य में वृद्धि होती है, आपके व्यापार में, नौकरी में आपको सफलता मिलती है, सहायता मिलती है। तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।